हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि डेली लाइफ में बहुत हम देखते हैं, बहुत ही ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। वो एक फिनोमिना को मैं एक रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को एक बहुत ही सिंपल वे में और आसान वे में समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए हमको चाहिए एक ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट हो और एक पेपर जहाँ पर दो एरो मार्क बने हों ऐसे। ओके, हम इसमें देखेंगे जब ये ग्लास खाली होगा तो एरो मार्क जैसे है वैसे ही दिखेगा, लेकिन जब हम इसमें पानी भरेंगे तो ये कुछ अलग ही दिखाएगा। आप लोग देख सकते हैं रिफ्रैक्शन बाद के बाद भी इमेज क्या है, सेम ही बन रही है। जैसे एक्चुअल में है वैसे ही क्या है, हमारी इमेज भी फॉर्मेशन हो रही है। नो डाउट छोटी है बट चल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा। आप देख सकते हो ये ग्लास खाली है पूरा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें पानी डाल, मैंने वाटर लिया है, इसमें पानी आप देख सकते हो। यस, इसको गिरा के भी दिखा सकते। जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल भी उल्टी बन रही है, आप देख सकते हो। एक्चुअल में इमेज ऐसी है, हमको दिख कैसे रही है, कम्प्लीटली अपोजिट। अब विथाउट पानी जब हम लेंगे एक ग्लास को, ये होंगे हमारे दो रेज जो रिफ्रैक्ट हो, जो इंसिडेंट हो रहे हैं। अब नॉर्मली हम देखेंगे तो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होंगे लाइक दिस, ऐसे थोड़ा बेंड होंगे। बाद में बेंड होके जब यहाँ से जाएंगे ये टूवर्ड्स नहीं, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होंगे, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होंगे रेज। सेम फिनोमिना यहाँ पे भी ऑब्जर्व होगा, ऐसे रेज आएंगे फिर रिफ्रैक्ट होंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमारी इमेज जो है यहाँ ऐसी बनेगी जो कि सेम होगी या फिर थोड़ा बहुत डिस्टेंस वेरी करेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो दोनों भी सीमी सीधी इमेज है तो सीधी ही इमेज बनेगी हमारी। ओके, अब अगर जब हम इसमें पानी डालेंगे, लेट अस सपोज ये हमारा ग्लास है और हमने इसमें पानी डाला है ऐसे। ओके, तो अभी एक रे ऐसे आएगी, जब ये आएगी ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और यहाँ पानी है तो ये ज़्यादा और फिर बेंड होके ऐसे यहाँ तक आएगी। सेकेंड रे क्या करेगी, वो भी क्या है, ये भी ऐसे बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड होके क्या है, जब ये बाहर आएगी तो ये ऐसे ट्रैवल होगी, ये ऐसे, और जो हमारी इमेज है वो कम्प्लीटली ये रे इधर मीट बनेगी और ये रे इधर आएगी, तो ये हमारी इमेज जो है वो कम्प्लीटली क्या है, अपोजिट बनेगी।